हमारे पास एक तालिब इल्म था सईद अनवर नेर, है ना। उसने भी जमाने तालिब इल्म में एक सवाल किया था और कई उलमा और कई हुफाज ने सवाल किया कि वजू के बाद आसमान की तरफ नजर कर अंगुश्ते शहादत उठाते और सूरे कद्र पढ़ते हैं तो क्या आसमान की तरफ उंगली उठाकर कुछ पढ़ना ये अहादीस वगैरह से साबित है? अहादीस में इस बात की बड़ी फजीलत आई है कि जिस वक्त वजू कर लिया जाए, वजू करने के बाद जैसे इमाम अबू ईसा तिर्मिदी ने तिर्मिदी शरीफ हदीस नंबर 55 पर 55 और यही हदीस इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 234 में किताबुल वजू में एक रिवायत जिक्र की, मन तवद्दा फअहसनल वजू सुम्मा काल اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله। ये पढ़ा जाए, ये सराहतन अहदीस में तिर्मिदी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में है कि वजू करने के बाद, वजू मुकम्मल करने के बाद इस तरह पढ़ना ये मसनून है। और बास फुकाए किराम ने लिखा है कि वजू करने के बाद खड़े होकर किबले की तरफ, खड़े होकर किबले की तरफ रुक कर अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ उठाए और उठाने के बाद ये अमल करें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का और साथ में सूरतुल कद्र इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र ये पढ़ना मुस्तहब है। जैसे अल्लामा हसकफी ने रद्दुल मुहतार में और दुर्रे मुख्तार में इसका तस्किरा किया और साथ साथ अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में कई अहदीस जिक्र किए। फकीह अबुल हैय समरकंदी ने तंबीउल गाफिलीन में भी इन रिवायतों का तस्किरा किया है कि वजू करने के बाद मुकम्मल वजू हो जाए तो किबला रुख खड़े होकर अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और साथ साथ सूरे कद्र मुकम्मल ये पढ़ना मुस्तहब है, अहदीस से ये साबित है।